हेलो बच्चों, तो आज हम 17वां सप्ताह लेकर आए हैं विषय गणित यानी नेस एग्जाम 2024 का। और इसमें यहाँ पर क्या है, 10 प्रश्न आपको मिलेंगे, हर सप्ताह में 10 प्रश्न मिलेंगे। टोटल 18 सप्ताह है, 18 में से 17वां सप्ताह है। इसके बाद आपके पास एक सप्ताह और बचेगा और आपके नेस का पूरा सिलेबस कंप्लीट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पर क्या है, आज का 17वां सप्ताह का पहला प्रश्न आपके पास है, कुछ पैटर्न से संबंधित है। तो देखिए 134 प्रश्न नंबर दिया है, निम्न में से अक्षर पैटर्न का अगला पद कौन सा होगा, ठीक है। यहां पर आपको एक पैटर्न दिए, अक्षर पैटर्न, और इसका अगला पद आपको यहां पर पता करना है, ठीक है। जैसे यहां पर दिया रेड कलर में, ए बी एक, बी सी तीन, सी डी पांच, डी ई सात, तो अगला क्या आएगा। तो यहां पर यदि आप थोड़ा ध्यान से देखें तो नंबर तो देखो, एक तीन पांच सात नौ, मतलब नंबर तो नौ आएगा। दूसरा अक्षर के आएंगे अल्फाबेट, तो ए बी, फिर बी से आगे बढ़ाया बी सी, अब सी से आगे बढ़ा दिए सी डी, फिर डी से आगे बढ़ाया डी ई, अब ई से आगे बढ़ाएंगे मतलब ई एफ, मतलब ई एफ और नाइन, तो ई एफ नाइन आपका आंसर बनेगा, मतलब डी वाला ऑप्शन आपका आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार अगला प्रश्न दिए आपका, 141 प्रश्न दिया है, इसमें दिया है दिए गए संख्या मीनार को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प चुनिए। यहां पर आपको एक संख्या मीनार दे रखी है और इस संख्या मीनार को पूर्ण करने के लिए जो खाली एक बॉक्स दिया है, इसमें कौन सा नंबर आएगा वो इसमें से आपको निकालना है, ठीक है। अब इस संख्या मीनार को ही थोड़ा आपको समझना है। तो देखें यहां पर जैसे क्या है, नीचे से चले अपन, ऊपर से ना चल के नीचे से चले, ऊपर से भी चल सकते हैं। देखो यहां पर देखो, सबसे नीचे जैसे एक, फिर तीन और फिर पांच, फिर आगे देखें तो जैसे दो बॉक्स हैं, तो यहां पर कितना लिखा है, चार। तो चार कहां से आया, देखो एक और तीन को जोड़ा तो चार आ गया, एक और तीन को जोड़ा मतलब इसके नीचे वाले को, तो चार आ गया। तो इस बार जो खाली स्थान पड़ा है इसकी जगह पर क्या आएगा, तीन और पांच को जोड़ेंगे तो पांच तीन आठ यहां पर आ जाएगा, और फिर देखो आठ और चार बारह हो जाएंगे, तो ऊपर यहां पर बारह पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर जो खाली स्थान, जो खाली बॉक्स था, उसकी जगह पर कितना नंबर आएगा, आठ आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या है, कौन सा विकल्प सही होगा आपका, सी वाला विकल्प आपका सही होगा, ठीक है। आप इनको नोट कर लीजिए और फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो देखें बच्चों, अगले प्रश्न हमारे क्या है, बोर्ड पर हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, किस आकृति में सबसे कम खाने या वर्ग हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या है, एक बड़ी आकृति दिख रही है, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या है, जैसे चार क्या है आकृति दिख रही, का खा गा और घा, तो इनमें क्या सबसे कम खाने वर्ग किस में है, वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे का वाली आकृति जो आपको ब्लू कलर से दिख रही है, तो इसमें एक दो तीन चार, यानी चार वर्ग हैं इसमें, ठीक है। खावाली जो त्रिभुज वाली आकृति दिख रही है, इसमें दो खाने तो लगभग पूरे हैं, और ये यहां पर क्या है, और दो खाने आधे आधे हैं, मतलब लगभग तीन हैं, ठीक है। इसमें गावाली में देखो, एक दो तीन चार, घावाली में एक दो तीन चार, तो का घा और गा इन तीनों में तो चार चार आकृति दे रखी है, लेकिन इसमें यहां पर त्रिभुज में क्या तीन वर्ग के आसपास हैं, थोड़ा कम ज्यादा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि कम किस में सबसे कम, तो खावाली आकृति में सबसे कम वर्ग है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो क्षेत्रफल जो है वो सबसे कम किसका क्षेत्रफल है, खावाली आकृति मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पर सबसे कम है, ठीक है। फिर इधर आ जाते हैं यहां पर, तो यहां पर आपको क्या दिया है वो देखें, तो यहां पर आपको क्या दिया है, चित्रालेख को देखकर उत्तर दीजिए। यहां पर क्या है, एक चित्र आकृति आपको दे रखी है, इन चित्रालेख को देखकर आपको क्या दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। इस साइड क्या है, टीम का नाम दिया एक दो तीन चार पांच, और इधर क्या दिए हैं, इन टीम द्वारा प्राप्त अंक यहाँ पर दे रखे हैं, एक चित्र के माध्यम से दिया, एक विशेष प्रकार का चित्र बनाए, ठीक है। जैसे टीम एक के क्या है, तीन चित्र बने हैं, इस प्रकार सभी के चित्र बने हुए हैं, और इस चित्र का मतलब क्या है कि एक चित्र बना है, तो इसका मतलब ये है कि उस टीम के पांच अंक हैं। इसका मतलब टीम एक ने पांच दस पंद्रह अंक प्राप्त किए, टीम दो ने पांच दस पंद्रह बीस अंक प्राप्त किए, इसी प्रकार सभी टीमों ने अंक प्राप्त किए हैं। तो इसने पूछा क्या है, टीम तीन के कुल कितने अंक हैं, तो टीम तीन के देखें यहां पर, टीम तीन के कितने, एक दो तीन चार पांच,
चित्र बन गए, और एक चित्र का मान कितना है पांच, तो पांच चित्र का मान पांच पांच 25, यानी टीम तीन ने कितने अंक प्राप्त किए, तो टीम तीन ने यहां पर 25 अंक प्राप्त किए, मतलब सी वाला आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसे क्या है स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। देखें बच्चों, तो अगला प्रश्न नंबर 89 आपका है, क्या है संख्या 23,540 में पांच के स्थानीय मान व चार के स्थानीय मान में कितना अंतर है। ठीक है, तो आपको इस संख्या में पांच का स्थानीय मान निकालना है और इसमें चार का स्थानीय मान निकालना है और दोनों का अंतर करना है। देखो, तो पांच का स्थानीय मान निकालना है तो पहले आप पांच लिख लो, जब भी स्थानीय मान निकालना हो तो जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना है वो लिख लें। जैसे पांच का स्थानीय मान लिखा तो पांच लिखा, अब पांच के बाद जितने अंक हैं उतनी जीरो लिख दो। जैसे पांच के बाद एक दो अंक और हैं, इसका मतलब इस पर मैं दो जीरो और लगा देता हूं, तो पांच का स्थानीय मान 500 है इस संख्या में। दूसरा क्या चाहिए, चार का स्थानीय मान, तो फिर मैं यहां पर क्या लिखूं, चार लिखूं। ठीक है, और चार के बाद कितने अंक है, तो एक अंक है, तो एक जीरो इस पर लग देता हूं। ठीक है, तो चार का स्थानीय मान कितना है 40 है। अब क्या चाहिए हमें, इन दोनों का अंतर, मतलब 540 में से आप सॉरी 500 में से 40 आपको माइनस करना है, और 500 में से 40 माइनस करोगे तो कितना आएगा 460, यानी आपका जो उत्तर है वो क्या जाएगा 460, मतलब ए वाला ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न यानी कि यहां पर प्रश्न नंबर 147 वाले पर आते हैं। प्रश्न नंबर 147 दिया है टैली चिन्ह, ये चिन्ह बने हुए हैं इन द्वारा प्रदर्शित संख्या क्या हुई। ठीक है, जब भी आप टैली चिन्ह पढ़ते हैं तो जो एक पूरा बॉक्स बन जाता है जिसमें एक दो तीन चार पांच लाइन होती, मतलब ये एक सिंबल दर्शा रहा है पांच को, तो इसकी वैल्यू कितनी है पांच है, इसमें कितने है पांच है, और इसमें कितनी लाइन है एक और दो, मतलब दो इसमें, तो पांच और पांच 10 और 2 12, यानी इस टैली चिन्ह के द्वारा दर्शाई गई संख्या कितनी है 12 है। ठीक है, जब भी आप टैली चिन्ह लिखें तो टैली चिन्ह को लिखने का आपको नियम भी पता होना चाहिए, ये जितनी लाइन पांच से ज्यादा लाइन खींची नहीं जाती, लेकिन पहले कौन सी लाइन खींचोगे वो भी। ठीक है, पहले ये वाली लाइन खींचोगे जैसे एक हो गया, फिर दूसरी लाइन कौन सी खींचोगे ऊपर से यानी दो हो गए, फिर तीन दर्शाना है तो फिर इधर हो गए, चार दर्शाना है तो फिर नीचे वाली लाइन लगा दो, और पांच दर्शाना है तो पूरा मिला दो पांच लाइन, फिर पांच से ऊपर जाना है तो फिर दोबारा क्या है दूसरा चित्र बनाएंगे, तो पांच हो गया जैसे पांच ये हो गए, इसी प्रकार पांच ये हो गए 10 हो गए, और दो लाइन इसमें मतलब दो ये हो गए तो 10 और 2 12 हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर ये क्या है इस टैली चिन्ह के द्वारा दर्शाई गई संख्या कितनी है 12 है। ठीक है, तो इनको नोट करें और अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखें बच्चों, तो अगला प्रश्न हमारा है 94 नंबर का प्रश्न है, नरेश ने अपनी कमीज के लिए 4 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और 3 मीटर 5 सेंटीमीटर पेंट के लिए खरीदा। ठीक है, उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई कितनी है, उसने कुल कितना कपड़ा खरीदा, तो कमीज के लिए 4 मीटर 30 सेंटीमीटर और पेंट के लिए 3 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो उसके द्वारा खरीदा गया कुल कपड़ा, मतलब इसको क्या करना है आपको प्लस करना है मतलब जोड़ना है, तो देखें यहां पर 4 मीटर और 30 सेंटीमीटर यहां पर कमीज के लिए खरीदा, दूसरा पेंट के लिए कितना खरीदा उसने 3 मीटर 5 सेंटीमीटर पेंट के लिए खरीदा। ठीक है, कुल कितना खरीदा मतलब इसको आप जोड़ दोगे, ठीक है प्लस करोगे तो कितना आएगा 5 और 3, तो सेंटीमीटर तो कितने बने यहां पर 35 सेंटीमीटर, और मीटर कितने बने यहां पर 4 और 3 7, मतलब 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर 35 सेंटीमीटर मतलब ए वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा 7.35 मीटर। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। 98 नंबर का प्रश्न है आपका, सरल है, ये भी एक आ भी रहा होगा और जिसको आ रहा है वो कर भी सकता है, उसको क्या दिया है, रोहित के पास 8.45 रुपए हैं, वह 7.65 रुपए की टॉफी खरीदता है, रोहित के पास शेष धन है। ठीक है, तो 8.45 में से 7.65 हम क्या कर दें माइनस कर दें घटा देते हैं।
ठीक है, तो उसके पास शेष कितना धन है वो आपको यहां पर मिल जाएगा। जब भी आप घटाने वाली बात करें तो विशेष ध्यान रखें कि दशमलव के नीचे दशमलव आने चाहिए। इधर कितना दिए, 7 दशमलव, तो 7 दशमलव कितना, 6.5। ठीक है, ये घटाना आपको आता ही होगा। 5 में से 5 माइनस करोगे 0, ठीक है, 4 में से 6 नहीं जाएगा तो 14 में से 6 यानी 8, और इधर दशमलव, अब इधर क्या है, एक कम हो जाएगा, मतलब 7 में से 7 मतलब 0। ठीक है, मतलब 0.80 मतलब ए वाला ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो देखें, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 109 है। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या दिया है, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी दे रखी है, 0.9 किलोमीटर और 0.6 किलोमीटर है। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जाती है। आवश्यक तार की लंबाई क्या है, ठीक है, क्या है, एक आयताकार पार्क है और इसके चारों ओर क्या करना है, तार लगाना है। उस तार की लंबाई आपको पता करना है, इसमें 4 पंक्तियों में लगाना है, मतलब 4 घेरे लगाना है। ये उस पार्क की लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक पार्क मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जैसे ये आयताकार एक पार्क है, ठीक है, इस पार्क की लंबाई कितनी है, 0.9 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है, 0.6 किलोमीटर। ठीक है, इसके चारों ओर तार के 4 घेरे बनाना है, तो कुल लंबाई क्या है, तो एक घेरे में जो तार लगेगा वो इसके क्या है, परिमाप के बराबर होगा। किसी भी आकृति का एक पूरा घेरा मतलब उस आकृति का परिमाप होता है, तो इस पार्क का जो परिमाप होगा, आयताकार पार्क का परिमाप होगा, तो पार्क का परिमाप बराबर आप जानते हैं क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, किसी यहाँ पर आयताकार, यहाँ पर क्या है, आकृति का परिमाप निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पर 2, अब चूंकि लंबाई कितनी है आपके पास, 0.9, और प्लस चौड़ाई कितनी है, 0.6। ठीक है, इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा, 2 × 6 और 9 15 मतलब 5, और 1 इधर आ जाएगा मतलब 1.5। 1.5 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 3 किलोमीटर। ठीक है, यानी इस पार्क के एक घेरे में कितना तार लगेगा, 3 किलोमीटर लगेगा। लेकिन इसने पूछा क्या है कि 4 पंक्तियों में, मतलब उसके 4 घेरे लगाना है उसको, 4 घेरे में, जब एक घेरे में 3 किलोमीटर लंबा तार लगेगा तो 4 घेरे में, इसलिए कुल जो तार लगेगा, तो यहां पर क्या है, एक घेरे में यहां पर क्या है, कितना लगेगा, 3, और 4 घेरे में तो 3 × 4 यानी 4 × 3 = 12 किलोमीटर लंबा तार उसका लगेगा। ठीक है, तो 12 किलोमीटर मतलब डी वाला ऑप्शन आपका आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 125 है और इस सप्ताह का लास्ट वाला प्रश्न भी है जी। क्या दिया है, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 3 मीटर लंबाई वाले कपड़े के एक टुकड़े का क्षेत्रफल क्या हुआ, मतलब यहां पर भी आपके पास एक आयताकार टुकड़ा है और इस टुकड़े का क्षेत्रफल चाहिए, और आयताकार टुकड़े का क्षेत्रफल चाहिए, तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हो, आयत का क्षेत्रफल होता है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या बनता है, लंबाई × चौड़ाई। ठीक है, अब चूंकि यहां पर लंबाई कितनी दे रखी है, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर मतलब 2.45, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 3 मीटर, तो यहां पर 3 लिख दो, तो 2.45 में 3 का गुणा हम कर देते हैं। क्या आता है, 5 × 3 = 15, 1 × 4 = 12 और 1 = 13, 1 × 3 = 6 और 1 = 7, तो कितना हो जाएगा, 7.35 वर्ग मीटर। ठीक है, आकृति, जब भी हम किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल सदैव सदैव वर्ग में ही लिखा जाता है। सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर है तो वर्ग मीटर लिखेंगे, किलोमीटर है तो वर्ग किलोमीटर लिखेंगे, क्या जब क्षेत्रफल की हम बात करते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप इन्हें नोट कर लीजिए और आपका 17वां सप्ताह गणित विषय का कक्षा 6 का कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद।